हम एक ऐसी क्लास आप सब लोग ज्वाइन करने वाले हैं जो हमें चीज नहीं दिखती चक्रास हमें नहीं दिखते लेकिन उसकी कंडीशन आपकी जो कंडीशन दिख रही है उससे हम तय कर सकते हैं कि आपका चक्रा किस लेवल पे है करेक्ट हमें यही तो फिजिकल सिम्टम्स जानने हैं इट इज नॉट ओनली अबाउट डिसीजेस इट इज अबाउट वॉट वर्ड यू आर अटरिंग कभी कभी ऐसा होता है ना हम बहुत सारी कुछ बातें हमें कोई सॉन्ग अच्छा लगने लगता है कभी कभी हमारा मूड चेंज होकर हम कुछ बात बोलने लगते है, you know? कोई word, कोई लगते हैं 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 यू नो कोई कोई वर्ड एक्शन करने बार 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 हम हम करते राइट किसी को फिंगर्स दिखाते हैं ऐसा होता है ना इट इज ऑल अबाउट योर चक्रा आपका कौन सा चक्रा एक्टिवेट है आप क्या कौन सी फिंगर यूज कर रहे हैं पता है इट इज ऑल अबाउट दिस चक्रा आप ये जेस्टर्स समझ के बता सकते हैं चक्रा का क्या हाल है है ना ब्यूटीफुल इट इज अ ब्यूटीफुल साइंस लेकिन बहुत कम हम इसके बारे में हर मोडेलिटी में समझ पाते हैं क्योंकि हमें एक लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है और ये चक्रा स्पेसिफिक जो क्लासेस होती हैं वो आपको बहुत डिटेल में नॉलेज देती हैं देखिए हमारे पास सब दो महीने का इसका टाइम रहेगा मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ लेकिन इस दो महीने के अंदर मैं आपको सिर्फ एक आस्पेक्ट ऑफ चक्रा बता पाऊंगी कि जो जनरली हम फिजिकली एक इंसान को देख के कैसे उसको हम डिटेक्ट uh, कर सकते हैं कि उसका चक्रा लेवल कितने पर है और उसको हम कैसे हील कर सकते हैं मैं आपको खाली हीलिंग एनर्जीएटिक वे में नहीं बताऊंगी राइट एनर्जी वे एक अलग वे है हम सब प्राणी हीलर नहीं है हम सब रेकी हीलर नहीं है हम सबके हैंड चक्रा एक्टिवेट नहीं है और हम सब जरूरी नहीं है कि हर कोई उन सबको फील कर सके ठीक है इन सब की चीजें अलग करके जो हमारे प्रैक्टिकल वेज होते हैं जो हमारे भारत के संस्कार में शुरू से इतनी सारी चीजें शुरू हैं आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द रिचुअल रिचुअल्स टू एक्टिवेट सर्टन चक्रास यू नो you know, uh, जो हमारे भारत का uh, संस्कार है हमारे जो भारत की परंपरा है वो इतनी इतनी ज्यादा रिच है इट हैज एवरीथिंग टू हील चक्रात एट एवरी लेवल हमारे जिंदगी के हर पड़ाव पे कोई ना कोई ऐसे संस्कार होते हैं राइट right? एक मुंडन फॉर एग्जाम्पल सबके यहाँ होते हैं मुंडन बच्चों का है ना मुंडन होता है सब सबके यहाँ बच्चों का आपको मालूम है मुंडन क्यों कराते हैं कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पर हम सबके यहाँ मुंडन संस्कार होता है जब बच्चा होता है एक साल में दो तीन साल में सबके होता है बच्चा जब मतलब बच्चे के जो हेयर लेके जन्म होता है दैट इज ऑफ पर्स लाइफ सो उसको एक बार क्लीन करना चाहिए सो दैट इफ एनी इम्पैक्ट इज कैर ऑफ पास्ट लाइफ जो नेगेटिव हो वो निकल जाए तो फिर Wonderful. जो आएगा वो दैट इज ऑफ दिस लाइफ ऐसा सोच के साथ बोलते हैं कि एक बार तो क्लियर कट हाँ. करा दो वन ऑफ द रीजन वन ऑफ द रीजन परफेक्ट और कोई बताइए सुनील जी मधुर जय जै जी जैस्मीन जी बबीता जी बच्चे को संस्कार देने के लिए वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड्स बाय वन हाँ बताइए हमारे शास्त्रों में से एक होता है और ब्राह्मण में हमारे उसमें सेकेंड टाइम भी बाल लेते हैं जो मुंडन की सेरेमनी होती है जिसमें उनको भी करते हैं कहते हैं उसमें भी बाल पूरे काट देते हैं बच्चों के उसमें उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है उस फेज पे सेकंड आपको मालूम है क्या हो रहा है उस वक्त नो मे वॉट इज द रीजन देखिए देखे क्या हुआ हाँ हम लोग ना अपने संस्कारों से बहुत धीरे धीरे ना हम अलग होते चले गए हम लोग फॉलो क्या हुआ कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी वो लोग फॉलो करते वो सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं लेकिन उनसे हम हमारे पास रिचुअल्स आए लेकिन उसकी रीजनिंग नहीं आई जब हमारे पास रीजनिंग नहीं आई तो हम रिचुअल से भी धीरे धीरे दूर हो गए लेकिन जब आपको उन सारे रिचुअल्स की रीजनिंग पता चलेगी कि वो रिचुअल कौन से चक्रों को एक्टिवेट कर रहा है क्यों कर रहा है तो आप कभी भी उन रिचुअल्स को नहीं छोड़ पाएंगे और उतनी ज्यादा शिद्दत और भावना से करेंगे उन रिचुअल्स को मुंडन संस्कार क्यों होता है मुंडन संस्कार सॉरी सॉरी निशा जी पहले आप बताइए आपकी रीजनिंग सुन लेते फिर मैं बताती हूँ बताइए मैम हम तो सिंधी हैं हम लोग जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता बच्चे को बाहर नहीं निकालते बिल्ली ना पलांग जाए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है डर रहता है कोई आ, बुरी बला ना लग जाए रास्ते में इसलिए जब तक मुंडन नहीं होता हम शाम को भी बच्चे को नहीं निकालते हैं जी 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 बिल्कुल क्योंकि मुंडन सभी में जरूरी होता है मुंडन क्यों होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है दिस इज द क्राउन चक्रा क्राउन चक्रा ठीक है इससे पहले हमारा सारा जैसे बच्चों को सुध बुद्ध नहीं होती बच्चे मोस्टली बच्चों की सुध उनके या तो पास्ट लाइफ से होती है या फिर पास्ट लाइफ से नहीं होती तो वो इंटरनल सोर्स uh, से होती है उनके सबुत सब उनसे कनेक्टेड होती है बच्चे को संसार में मिलाने के लिए हम परिवार से ऐड करने के लिए उनके चक्रा को आ, परिवार के चक्रा में हम लोग ऐड करती है ठीक है मुंडन संस्कार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बच्चे का अब इस संसार में उसका जीवन शुरू हो गया है एक्शन आप देखेंगे मुंडन करवाते ही ऐसा लगता है बच्चे के सर पे एंटीना आ गया और वो बहुत शैतान हो गया क्योंकि yes, yes, yes. जब वो उसका मुंडन होता है तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है उससे पहले वो एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी अपने अराउंड उसका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है उसका एब्सॉर्बन शुरू हो जाता है आपने जैसमिन जी बोला कि पढ़ाई से पहले भी मुंडन होता है क्यों बिकॉज द चाइल्ड द नॉलेज रिसेप्टिविटी उसकी बढ़ती है एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लेयर्स ठीक है तब हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो मुंडन संस्कार हाँ मैम हेयर्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं यस यस मैम तो उनको बहुत संभाल के रखा जाता है या फिर जैसे भी उनका सबके अलग अलग तरीका होता है करने का तो वो सब संभालते हैं है ना तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया अब आपको इसके अगर इम्पोर्टेंस मालूम है तो आप के फैमिली में जो भी रिचुअल होगा आप उसको बहुत स्ट्रॉन्गली करेंगे ना द कि उसका क्या रिजल्ट होगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, हो जाता है बच्चों को संसार में मिलाने के लिए और संसारिक बातें एब्जॉर्ब करने के लिए उसको तो इसी संसार के अंदर एग्जिस्ट करना है राइट right? ऐसे ही पल पल हमारे ऐसे रिचुअल्स होते रहते हैं जिससे हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने महान थे इतने महान थे इंडिया की खासकर बात कर रही हूँ आप हम देखेंगे देखिए इंडिया का इतिहास कितना पुराना है और इंडिया सोने की चिड़िया था पहले पहले क्या हुआ जो इंडिया सोने की चिड़िया हो गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया को कैप्टिव uh, कर लिया गया ब्रिटिशर्स ने आके कैप्टिव कर लिया और ब्रिटिशर्स ने इतना सारा उसके साथ जुल्म हुआ क्यों हुआ क्या हुआ तो ये भी क्या हुआ कि जब हमने अपने uh, शास्त्रों के हमने अपने रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस नहीं जानी उनको गलती ये हुई कि जब गमेंट्स आके सारा का सारा वेद वगैरह ले गए तो जो श्रुति स्मृति का जो था हिसाब किताब वो खत्म हो गया हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता रही रिचुअल्स हम लोगों ने जितने हो सके कैरी करे जब तक इंपॉर्टेंस पता नहीं थी हम उसकी इंपॉर्टेंस भूल गए हम रिचुअल्स भी भूल गए राइट right? सारे रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोग अगर जब हम ये क्लास करेंगे तो अपने बड़ों से प्लीज जिनके पास हैं आप लोग सारे रिचुअल्स पूछिए क्या होते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है अपनी आंखें खोलिए अपने चक्रास को जागृत कीजिए जब आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी योर चक्रास विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द एनर्जीज इन अ बेटर वे और आपकी लाइफ में देखिए कितना फर्क आएगा एक